नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे चैनल इंडियन ट्रेन की जानकारी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज जो नई ट्रेन जानकारी है वह है SMT बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे यह गाड़ी कितने बजे चलती है और कितने बजे पहुँचती है, साथ में इसकी रूट की बात करेंगे और इसके कोच और किराया की भी जानकारी देंगे। यह सब जानकारी देने से पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालने पर आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, SMT बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस का गाड़ी नंबर 18638 है। यह गाड़ी SMT बेंगलुरु से हटिया के बीच में मंगलवार के दिन चलती है। SMT बेंगलुरु से हटिया के बीच की दूरी 1886 किलोमीटर है। यह गाड़ी इस दूरी को 35 घंटा 15 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 53 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। इस गाड़ी में LHB कोच लगी हुई है। इस गाड़ी को दक्षिण पूर्व रेलवे जोनल ऑपरेट करती है। इस गाड़ी की पहली सेवा 15 फरवरी 2014 को आरंभ हुई थी। यह गाड़ी SMT बेंगलुरु से चलकर कृष्णराजपुरम, काठपट्टी जंक्शन, तिरुपति, रेणीगुंडा जंक्शन, विजयवाड़ा जंक्शन, विशाखापट्टनम, विजयनगरम जंक्शन, रायगढ़, टिटलागढ़, संबलपुर, झारसुगुंडा जंक्शन, लाल किला होते हुए हटिया को जाती है। यह गाड़ी SMT बेंगलुरु से मंगलवार रात 12:30 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और 35 घंटा 15 मिनट का यात्रा तय करते हुए हटिया को दूसरे दिन 11:45 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इस गाड़ी में कोच की बात करें तो इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल के कोच लगे हुए हैं। इस गाड़ी के टिकट किराए की बात करें जो कि SMT बेंगलुरु से हटिया के बीच तक का है, सेकेंड AC 2810 रुपया, थर्ड AC 1935 रुपया, स्लीपर क्लास 730 रुपया और जनरल टिकट 395 के करीब है। इस गाड़ी का सटीक टिकट किराया जानने के लिए रेलवे के काउंटर में आप लोग जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, SMT बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस की जानकारी यहीं समाप्त हुई। और भी किसी ट्रेन की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बताएं। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।